आप देख रहे तहलका टीवी न्यूज। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आगे ले जाते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान मीरा भाईंदर जिला कांग्रेस समिति द्वारा नेता मुजफ्फर हुसैन के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। यह यात्रा भाईंदर पूर्व के नौघर नाका से जैसल पार्क खाड़ी पर समाप्त हुई। भाजपा सरकार की गलत नीतियों से देश भर में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विषय लोगों के सामने प्रस्तुत किए। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से कांग्रेस घर घर जाकर लोगों से जुड़ रही है और प्रेम की भावना जो इस देश के मूल सिद्धांत है उसे लोगों तक पहुंचाने की सब कोशिश कर रही है। मीरा रोड से प्रिंस की एक रिपोर्ट। चाहिए सत्य है कि अब हाथ जोड़ो यात्रा से हर कार्यकर्ता हर गली गली पहुंचेगा और आज के तारीख में इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, ये हमें बताना है। और इससे जो कुछ न्याय निकलेगा कि भाई ये महंगाई है। आज मोदी सरकार बोलते हैं कि तुम इतने पढ़े लिखे ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे आज भजिया तलाओ, तो क्या आपने वादे किए थे ना नौकरी देंगे सर्विस देंगे, तो कहाँ गए आपके वादे? खाली घोसले खोखले वादे। आज 350 का सिलेंडर हुआ था तो स्मृति ईरानी रास्ते पे बैठी थी क्योंकि वो सास भी कभी बहू थी, वो खाना बनाती थी। आज वो मंत्री है तो उसको डायरेक्ट टिफिन आता है तो उसको गैस का भाव पता नहीं क्या। मीरा भाईंदर कांग्रेस की टीम और पूरे भारत की तरफ से मैं मीरा भाईंदर की जनता और हर किसी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, आपके लिए रास्ते पे निकल पड़ी है, आपके हक के लड़ के लिए निकल पड़ी है। हम आपके लिए लड़ रहे हैं और इसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। जय हिंद जय महा। ताजा ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर।